एसिड बेस की थियरी हो गई थी ख़त्म, आज हम करने वाले हैं उसके एक्सपेरिमेंट, मतलब उसका प्रयोग करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। एसिड क्या होता है? जो खाने में हमें टेस्ट किससे लगे, सार टेस्ट, मीन्स खट्टा लगे ना, उसे क्या कहेंगे? एसिड। एसिड को पहचानने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। पहला तो हम, वेरी गुड, दूसरा लिटमस पेपर। हाँ, सारे टेस्ट, सब जितने पदार्थ हैं हम सबको खा नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारे के लिए क्या है? रिस्क है, हेल्थ रिस्क है स्वास्थ्य के लिए। तो लिटमस पेपर ने क्या किया? हमारे काम को आसान कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? रेड, हाँ ये है हमारा रेड लिटमस पेपर हो गया पहला, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा है? ब्लू लिटमस पेपर, और जिसे हम देख सकते हैं ये हमारा कौन सा है? ब्लू लिटमस पेपर। दोनों हमारे हो गए कंफर्म। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि लिटमस पेपर हमें मिलता कैसे है। लिटमस पेपर एक लाइकेन सवाल होता है, जैसे एल्गी जानते हो, काई जानते हो ना पानी में, उसी तरीके से होता है। बट वो ऐसे पानी में नहीं, वो मरुस्थल एरिया में या जहाँ पे पहाड़ी एरिया पाया जाता है या जहाँ पे बहुत बर्फ और पड़ती है, वहाँ लाइकेन पाया जाता है। तो लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। मीन्स कहने का ये जो लिटमस पेपर है कहाँ मिलता है? जो छोटे छोटे मतलब एक तरीके से प्लांट का हो, हाँ लीचन, या हिंदी में बोलते हैं लाइकेन वही है जिससे कि ये लिटमस पेपर बनता है। ये बात कन्फर्म हो गई। अब थोड़ा हम बेस पढ़ लेते हैं। बेस क्या होते हैं? वो पदार्थ जो खाने में हमें कड़वा टेस्ट दें, बिटर टेस्ट, जिन्हें क्षारक कहा जाता है। क्षारक किसे कहते हैं? बेसिस किन्हें कहा जाता है? क्षारक। वही पदार्थ जो खाने में क्या दें? कड़वा टेस्ट हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वो उन्हें क्या बोला जाएगा? बेस बोला जाएगा, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं क्षारक। उसकी पहचान की दो तरीके हैं, या तो हम उसका टेस्ट करें या फिर हम लिटमस पेपर का प्रयोग करें तो हमें पता चलता है कि ये क्षारक है। बट ये है जो क्षारक होते हैं, जो बेसिस हैं हमारे क्षारक, इनको अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये भी, एक तो टेस्ट करना मुश्किल का काम है क्योंकि होते हैं कड़वे, है कि नहीं बात, बोलो। हाँ, कड़वा टेस्ट होगा वो मुश्किल होगा उसको अंदर ले जाना, और दूसरा मन भी नहीं कहेगा इसको टेस्ट करने का। तो लिटमस पेपर ने क्या किया? हमारे काम को आसान बना दिया। लिटमस पेपर ने हमारे काम को क्या किया? आसान बना दिया। तो अभी हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे एसिड और बेस का, वो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है। जैसे एसिड का एक उदाहरण बताओ, जैसे ये जो नींबू है, नींबू टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो खट्टा टेस्ट क्या होगा? एसिड होगा। अब देखो एसिड में क्या होता है, अभी देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, अभी हमें क्या करना है? बताना भी नहीं ना, बोलना है। हम दोनों लिटमस पेपर को डाल के चेक करेंगे किसमें कलर बदल रहा है, और उसी कलर बदलने के हिसाब से हम समझ लेंगे कि कौन से लिटमस पेपर में कौन सा कलर बदलता है और एसिड की पहचान कैसे होती है। मीन्स अगर मान लो तुम्हारे सामने एसिटिक एसिड आ गया और तुम्हें पता नहीं है एसिटिक एसिड की कैसे पहचान करो, एसिटिक एसिड कैसे पहचान करोगे? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एसिटिक एसिड तुम टेस्ट करो, है कि नहीं, या फिर तुम लिटमस पेपर की मदद लो। तो एसिटिक एसिड हो गया, और हमारे दैनिक जीवन के लाइफ में बताओ जहाँ कहाँ कहाँ हमें एसिड दिखाई देता है? खाने में किस में? सैलेड में, जैसे कि सिरका और नींबू और खीरा। हाँ खीरा खट्टा होता है तो खट्टा वाला होता है ना, हाँ। तो ऐसे टेस्ट बताओ जो खट्टे होते हैं, जो खाने में खट्टा लगे। कच्चा आम, वेरी गुड, हाँ वो। और ये बेस कहाँ मिलता है? बेसिस, हाँ बेसिस, हाँ। दूसरा सबसे नहीं, जो डेली यूज करते हो उसको बताओ, कड़ाइला टेस्ट वाला तो ठीक है, हाँ सोप, साबुन, शैम्पू, और ये जो डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है आज टेस्ट करने के लिए? एसिड के लिए नींबू है, और बेस के लिए मेरे पास डिटर्जेंट पाउडर का घोल है, ये दिख रहा है, इसके अंदर मैंने डिटर्जेंट पाउडर का घोल डाला हुआ है। सो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम नींबू को कट करते हैं, ठीक है। अब आप इस नींबू के रस को इसमें निकालें, इसमें, इस वाले फ्लास्क में, इस बीकर में आप नींबू के रस को निकालें। बढ़िया, अब एक मिनट, मोड़ के भाई, हाँ वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये वाला भी निकालिए। मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास बेस सब्सटेंस है, मीन्स क्षारक जो हमारे पास है, उसको मैं, उसको हम फ्लास्क में डालते, रहने दो, बस बस बहुत भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास क्या है? बेस है, मीन्स क्षारक है,
ठीक है, ये क्या है इसका, किस चीज़ का घोल है ये? डिटर्जेंट पाउडर का, वेरी गुड। तो मेरे पास ये है टाइड। हाँ, तो अभी देखते हैं इस वाले फ्लास्क में मेरे पास हो गया नींबू का, ध्यान से देखते देखते नींबू का रस, मीन्स इसका टेस्ट कैसे होता है, खट्टा, मीन्स ये क्या है हमारे पास, एसिड है। तो अभी हम देखते हैं दूसरा मेरे पास क्या है, डिटर्जेंट पाउडर का घोल। डिटर्जेंट पाउडर आप कोई सा ले लो, चाहे एक्टिव वी ले लो, टाइड ले लो, सर्फ एक्सेल ले लो, कोई भी। अब हम दो हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर, एक एक करके चेक करते हैं। पहला मैंने क्या डाला, ध्यान से देखना, पहला मैं रेड लिटमस पेपर, देखो अभी एसिड डालते हैं, देखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है, शायद कोई प्रभाव ना पड़े, देखना है। रेड लिटमस पेपर मैंने किस में डाला, एसिड में डाला, कोई प्रभाव पड़ा, कोई नहीं पड़ा, ध्यान से देखिए, कोई कलर बदला, नहीं बदला। अर्थ मतलब कहने का है कि जब भी हम किसी एसिड में, अम्ल में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट अब ध्यान से देखिए, बेस ब्लू लिटमस पेपर डालता हूँ, समझते रहना लक्ष्य। मैंने क्या किया, एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और एसिड में डालूंगा, किस में, एसिड में। और जैसे ही मैंने एसिड में डाला, ध्यान से देखिए, जैसे ही एसिड वाला, ये कलर क्या हुआ, तुरंत बदल गया। मीन्स कहने का है कि ब्लू लिटमस पेपर को जब भी हम एसिड में डालेंगे, एसिड मतलब अम्ल में डालेंगे, तो ब्लू, ब्लू मतलब नीला लिटमस पेपर हमारा किस कलर बदल रहा है, लाल कलर बदल रहा है। फिर से इसे हम कैमरे के सामने समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए, ब्लू लिटमस पेपर और ये डाला, ये कलर चेंज होता हुआ शायद दिखाई दे रहा होगा इसमें, तो क्या हुआ, नीला लिटमस पेपर किस कलर में बदला, लाल में। यहाँ से हम क्या समझेंगे कि एसिड की पहचान क्या है, पहला तो खट्टा टेस्ट होना चाहिए, दूसरा नीला लिटमस पेपर किस कलर में बदले, लाल में बदले। बात समझ में आई। अब चलिए हम क्षारक में थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। क्षारक में क्या करेंगे, हम पहले तो हम नीले लिटमस पेपर, पहले हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर का चेक कर लेते हैं क्षारक में, शायद कोई प्रभाव न पड़े, चेक करते हैं। अभी हमारा नीला लिटमस पेपर जब अम्ल में गया तो किस कलर में बदला, लाल में बदला, वेरी गुड, रेड में। अब नीले लिटमस पे, ओहो, एसिड मैंने टच करा दिया, देखो बदल गया कलर, एसिड मेरे हाथ में लगा था ना नींबू, कलर बदल गया, वेरी गुड। तुम निकालो इसका एक स्ट्रिप निकालो, अम्ल से दूर रखो, नहीं तो ये सारे कलर बदलना शुरू हो जाएंगे। एक कोई आराम से निकालो, अब इसमें डाल के चेक करो थोड़ा सा, कोई कलर बदला, नहीं बदला। मतलब नीले लिटमस पेपर को जो आप क्षारक में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट जैसे ही आप अम्ल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर तुरंत कलर बदलता है, लाल हो जाता है। बट अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं हम, लाल लिटमस पेपर, हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस घोल है, किस चीज़ का, डिटर्जेंट का घोल है क्या ये, क्षारक सैनिटाइजर बिटर टेस्ट में आएगा भाई। देखो रेड लिटमस पेपर डाला, किस कलर में बदला, ब्लू कलर में बदला। तो आप देख सकते हैं, तो ये मतलब लाल लिटमस पेपर किस में बदला, ब्लू में। मतलब क्षारक की पहचान क्या है, पहला तो टेस्ट इसका कड़वा होगा और दूसरा रेड लिटमस पेपर किस में होगा, ब्लू में, मीन्स लाल लिटमस पेपर नीले में होगा। अम्ल में क्या था, अम्ल में नीला लिटमस पेपर किस में बदल रहा था, रेड में। तो क्या ये लिटमस का एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ये पक्का पूरा, मतलब आज हमारा अम्ल हो गया, क्षारक हो गया। और इसी लिटमस पेपर को, एक मिनट रुक जाना यहाँ पे, इसी लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे सूचक। मतलब वे पदार्थ जिनका प्रयोग हम करते हैं अम्ल और क्षारक को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब एसिड और बेस की पहचान करने के लिए, उन्हें सूचक कहा जाता है। तो लिटमस पेपर ने हमें इंडिकेशन दिया कि नहीं ये अम्ल है और ये क्षारक है। तो ऐसे दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं कि ये एसिड है मतलब अम्ल है और ये क्षारक है। तो आप करिए अपने दैनिक जीवन में, खाने पीने के जो घर में पदार्थ हैं उनमें एसिड बेस टच करा के देखिए, कलर बदल रहा है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल में हो रहा है तो वह पदार्थ क्या है, अम्ल है, और लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा है तो वह पदार्थ क्या है, क्षारक है। अगर कलर नहीं बदल रहा है तो न्यूट्रल है, उदासीन है, मीन्स ना ही उसमें अम्ल है ना ही क्षारक है। मीन्स अगर दोनों आप लाल वाला भी डाल के खाने वाले पदार्थ चेक किए और नीला वाला, कुछ नहीं चेंज हो रहा, समझ लीजिए ना ही एसिड है ना ही बेस है, इसे न्यूट्रल में आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, क्योंकि विज्ञान कहता है आओ करके सीखें। सो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साइंस को पढ़ते रहें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।